अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गैजेट्स क्वालिटी प्रो। मैं हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूं शाओमी रेडमी 4A का, जो कि काफ़ी सस्ता है। 13,900 रुपये में ये आपको स्मार्टफोन मिलता है। तो चलें इसको जो है अनबॉक्स करते हैं। ये पाकिस्तान में तो अभी सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है दराज.pk की वेबसाइट पर। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है जी, कुछ पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स है जो कि दराज की जानब से होती है, जहाँ पे एक बार फिर कीमत लिखी हुई है 13,900 रुपये। ये अगर कोई प्रोडक्ट जो है डैमेज हो तो आप उसे रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये है जी बॉक्स, हमेशा जो मी मैक्स जो हमने अनबॉक्स किया था उसकी जो पैकिंग हुई थी सेम ही थी। तो अब जो है इसे खोलता हूँ मैं। यहाँ पे भी वैसे टिपिकल पैकिंग है जैसी इसकी थी। तो ये है जी असल एक्चुअल बॉक्स रेडमी 4A। यहाँ पे आपको देख भी सकते हैं मदम सा लिखा हुआ है, वारंटी है जो ये स्मार्ट लिंक की इसमें। तो अब जो है इसे ओपन करके देखता हूँ। अब तो अभी भी हम जो है बॉक्स के करीब पहुँचे हैं। इसमें मुझे कहीं नहीं वो सिम जो है जोन की मेरी, ना ही कोई इसके साथ कोई फ्री डाटा मिला है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि 1.4 है और 13 मेगापिक्सल रियर और 5 फ्रंट की। और इसके अलावा इसकी बैटरी जो है वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ये लिखी हुई आप देख सकते हैं 3120 मिली एम्पियर है। तो अब जो है इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं देख रहा था कहीं पहले तो नहीं अनबॉक्स हुआ हुआ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उर्दू में कोई भी कंपैरिजन स्पीड टेस्ट वगैरह की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी ये भी ओपन हो चुका है। तो ये नहीं, ये है Xiaomi का Redmi 4A। 5 पॉइंट इसका डिस्प्ले है, 5.0 मेटल की इसकी बॉडी है। तो चलें अब जो है इसको एक तरफ रख के बॉक्स में देख लेते हैं, हमें हैंड फ्री भी इसमें मिलते हैं या नहीं। तो ये कुछ क्विक स्टार्टअप गाइड, ये इसके साथ में स्टैंडर्ड USB केबल है माइक्रो, और इसके अलावा चार्जर जो है वो ये आप देख सकते हैं, इसकी आउटपुट जो 1 एम्पेयर है, 1000 mAh। तो इसके अलावा यहाँ पे ये सिम इजेक्टिंग टूल, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हैंड फ्री नहीं है ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो अब जो है हम डिवाइस की तरफ होते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ मिलता है। तो ये अब जो है ऑन हो रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों, इसमें इसके अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो नीचे आपको एक माइक, USB चार्जिंग के लिए, यहाँ पे सिम ट्रे, और इसके अलावा टॉप पे जो है ये आईआर ब्लास्टर है रिमोट वाला, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक, हेडफोन जैक, कैमरा एक जो है LED फ्लैश है, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और पावर की। तो इसकी बैग पे भी कुछ स्टिकर, वो भी उतार देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से जी आपको मिलता है। तो इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है, और इसकी जो बैग है वो भी नॉन रिमूवेबल है। तो ये जी स्टार्ट हो चुका है अब। तो सबसे पहले जो है इसकी जो ब्राइटनेस चेक करता हूँ मैं, अच्छी है इतना पैसों में। तो डायलर टच भी इसका जो है, इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी स्मूथ है। तो इसमें अब हम चेक कर लेते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन जो है इसके अंदर अभी 6.0.1 है, ये आप देख सकते हैं।
तो आप जब इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसकी जो नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छी बात है कि अभी 13-14 हज़ार वाले मोबाइल के अंदर भी नोटिफिकेशन लाइट मौजूद है। तो ये नीचे की तरफ है और ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको अभी OTG टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये OTG सपोर्ट करता है। तो OTG के लिए यहाँ से आपको एक्सप्लोरर और उसके बाद जो स्टोरेज, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं USB है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये USB वाली जो है मेरी ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको लाइट्स नहीं मिली हैं इसमें। तो इसके अलावा जो अच्छा है, तकरीबन जितनी इसकी कीमत है, ये ग्रैंड प्राइम या कोर प्राइम वगैरह जो ऐसे हैं सैमसंग के या ओप्पो के, ये जो है A37, उससे आई थिंक अच्छा होगा। तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं मैं इसका जो कंपैरिजन है वो स्पीड टेस्ट किस किस जो है डिवाइस के साथ करूं। तो अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।